बाजार में बढ़त के साथ कारोबार, निफ्टी 8,550 के पार टिकने की कोशिश में। आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़ सभी सेक्टर हरे निशान में। टाटा ग्रुप के शेयर्स में अच्छी खरीदारी। कैबिनेट में कोल लिंकेज पॉलिसी को आज मिल सकती है मंजूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। रेगुलेटेड सेक्टर्स को कोयले की पक्की सप्लाई का खुलेगा रास्ता। अगले हफ्ते पूरा हो सकता है रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल का विलय। दोनों कंपनियां नई कंपनी में 50,000 करोड़ रुपए डालेंगी इक्विटी के जरिए। आरकॉम का शेयर 3% ऊपर। एलएनटी इंफोटेक की कल लिस्टिंग, ग्रे मार्केट के प्रीमियम के मुताबिक बड़े उछाल की उम्मीद कम। प्रीमियम 90 रुपए से घटकर 40 रुपए पर आ गया। और नतीजों से निराश इंफोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी, दूसरी तिमाही में दूर करनी होगी कमियां, नए आइडिया और मजबूत इरादों से करना होगा काम।